हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू लेकर के आए हैं बीका जी के नमकीन का। बीका जी के ये जो नमकीन है, तीन वेरिएंट्स हमने इसमें लिए हैं। एक तो बीका जी का बीकानेरी भुजिया यहाँ पर हमने लिया है, दूसरा जो है वो बीका जी का ऑल इन वन है, और एक तीसरा जो हमने लिया है वो बीका जी का आलू भुजिया लिया है। तो ये तीनों पैकेट जो है, इनकी पैकेजिंग 400 ग्राम की है, और 400 ग्राम का ये एक पैकेट जो है नमकीन का, वो 104 रुपए में एमआरपी में ये आपको मिलता है। तो ये तीनों का एमआरपी अगर हम देखें तो हर एक पैकेट का एमआरपी 104 रुपए है, और इसके अंदर 400 ग्राम नमकीन है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये एक जिप लॉक पैक के साथ में आते हैं। नमकीन की यही खास बात होती है कि उसमें बिल्कुल भी जो नमी है, अगर वो एंटर हो जाती है तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो वो बिल्कुल नमी एंटर नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए इसमें जिप लॉक पैकेजिंग इसमें दी हुई है, और जिप लॉक पैकेजिंग के बाद में यहाँ पर इसके नमकीन कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए तरीके से इसको भी हमने ओपन कर लिया। ये है बीका जी का ऑल इन वन। इसके अंदर बहुत सारी तरीके के जो ड्राई फ्रूट्स हैं और भी तरीके के जो नमकीन हैं, वो सब इसमें मिक्स आते हैं। और तीसरा है बीका जी का बीकानेरी भुजिया, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है तीनों नमकीन, अब हम इनको तीनों को निकाल करके देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम बीका जी का जो बीकानेरी भुजिया है उसको निकालने वाले हैं। तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम जब बात कर रहे थे कि बीका जी का जो बीकानेरी भुजिया है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो ये जो बीकानेरी भुजिया है ये जो दाल मोट है नमकीन, वो उससे मिलके बना हुआ है, और कुछ इसमें मसाले वगैरह डाले गए हैं। और ख़ास बात ये है कि बीकानेर में ही बनता है। जो बीकानेर का वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ का वहीं पर ग्रो किया हुआ जो मोट है, साथ में वहाँ का जो पानी है, उससे जो फ्लेवरफुल जो नमकीन बनती है वो कहीं और किसी नमकीन में वो फ्लेवर नहीं आता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको डाल के देखते हैं। तो ये जो बीका जी का बीकानेरी भुजिया है ये कुछ इस तरीके का नमकीन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, आप कह सकते हैं नूडल जो है उनको छोटा छोटा तोड़ करके, और इस तरीके का फ्राइड एक स्नैक तैयार किया गया है। और इसको अगर हम खा करके देखें तो इसमें जो स्पाइसेस है उसका ब्लेंड बहुत ही अच्छा है। आ करो, स्पाइसेस का ब्लेंड काफ़ी अच्छा है, और बहुत ही आपको ये टेस्टी लगने वाली है ये नमकीन। इतनी क्रिस्पी भी, ये बहुत क्रिस्पी भी है, बहुत ही टेस्टी भी है, और आपको इसका खाने की बार बार आपको इसका आदत हो जाएगी, इतना इसका अच्छा टेस्ट है। इसके साथ में इतना इसमें कुछ इस तरीके के भुजिया, इसके नूडल के अंदर बड़े बड़े पीसेस भी डाले जाते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है, और बच्चों को तो स्पेशली वो बहुत पसंद आते हैं, और बच्चे उन्हें खाना बहुत पसंद भी करते हैं। अच्छा लगा। चलो, अभी हमने एक नमकीन तो देख ली, अभी हम नेक्स्ट जो हमारा बीका जी का दूसरा नमकीन है कुछ कुछ या ऑल इन वन, तो उसको देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स की हुई हैं। इसमें चने हैं, पीनट्स हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसके अंदर हम देखें तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें है, इसमें है वेजिटेबल ऑयल, ग्राम फ्लावर, ड्यूबीन्स, पीनट्स, चिकपी, कॉर्नफ्लेक्स, राइस फ्लेक्स, स्प्लिट ग्रीन ग्राम, होल लेंटिल, कैशू, रेजिन, पोटैटो के जो नमकीन है वो सब इसमें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स की हुई है विद द स्पाइसेस, और जो स्पाइसेस का ब्लेंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें मिक्स किया हुआ है, और काफ़ी हमारे जो इंडियन कल्चर में जो हम नमकीन या
हम स्नैक का यूज करते हैं वो न्यूट्रिशन से काफी जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें काफी सारी चीजें मिक्स की हुई हैं जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी हैं एज वेल एज वो टेस्टी भी हैं। तो हम आजकल घरों में जब देखते हैं कि बहुत बिजी रहने लगे हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम घर के लिए स्नैक्स बना के उनको प्रोवाइड कराते रहें और वो टेस्टी उतने टेस्टी भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो घर में अगर ऐसे कुछ स्नैक्स हम रखें तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और उनमें से एक है ये बीकाजी के नमकीन। तो इन नमकीन में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये वाला है जिसमें बीकाजी का ऑल इन वन वाला है, और इसका जो बीकाजी का बीकानेरी भुजिया है वो भी बहुत टेस्टी है, और हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले विहान को टेस्ट कराते हैं। करा क्या खाओगे? इसमें जो बीकाजी का ऑल इन वन है इसके अंदर जो थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर इसके अंदर मिक्स किया गया है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, थोड़ा स्पाइसी भी है, रेजिन की वजह से कहीं कहीं थोड़ी मिठास आती है, बाकी इसमें स्पाइसेस को बहुत अच्छे से डाला गया है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है कि आप जो लोग मिर्च वगैरह कम खाते हैं वो खा नहीं पाएंगे, बहुत ही बैलेंस वे में ये बनाया हुआ है। एक बार खाने पे तो हम रोक नहीं पाते हैं, इसको बार बार खाने का मन करता है। तो बीकानेरी भुजिया जो है काफी पुराना इसका हिस्ट्री है, कैसे वहां पर पहले बना करता था और अभी उसको किस तरीके से बना करके वही टेस्ट को पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इवन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे बीकाजी का मैंने अब की बारी नमकीन परचेज कर ली थी। इस बार अमेजोन से तो सारे डिलीवरी वगैरह बंद हैं, बट कुछ कुछ एरियाज़ में जैसे हमारा बिग बास्केट है ये सारे चीज़ें कर रहे हैं डिलीवरी, तो उसमें हमने ये बीकाजी के कुछ नमकीन मंगाए थे कि घर पर जब हम रहते हैं तो बार बार कुछ खाने का क्रेविंग होता है, तो थोड़ा थोड़ा नमकीन हम अगर खाते हैं खा ले तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, सेटिस्फैक्ट्री भी होता है और न्यूट्रिशियस भी। तो साथ में हमने अभी ये देखा कि बीकाजी का कुछ कुछ वाला जो नमकीन है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें दालें हैं, राइस पफ्ड राइस है, कॉर्नफ्लेक्स है, नट्स हैं, रेजिन्स हैं, और स्पाइसी जो इनका फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है। अब हम इसके आलू भुजिया की बात करेंगे। आलू भुजिया जो है आलू से बने हुए नमकीन है और इसको बहुत अच्छे इन्होंने उसके साथ में डाला है। ये तो बीकानेरी भुजिया, अब हम आलू भुजिया की बात कर लेते हैं। तो ये पटेटो से बने हुए फ्राइड नमकीन है तो ये भी काफ़ी टेस्टी और यमी लगते हैं, बस इसमें थोड़ा जो खट्टापन है नमकीन में वो ज़्यादा होता है और बच्चों को ये वाला बहुत पसंद आता है क्योंकि तो ये पटेटो से बना हुआ है, इसमें पहले ही काफ़ी फ्लेवर है और बच्चों को ये काफ़ी पसंद आता है और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये काफ़ी पसंद आता है। हम इसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी नमकीन है इनको अगर आप पोहा में या अपने किसी ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम में भेल में इनमें अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्टी एक स्नैक आपके लिए तैयार हो जाता है। इन तीनों ही नमकीन की खास बात यह है कि ये अपने आप में बहुत क्रिस्पी हैं, कहीं भी आपको इसमें ये चीज़ें फ्राइड हैं बट इसमें कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस फील नहीं होती है, ऑयल बहुत कम फील होता है और टेस्ट में एकदम अल्टीमेट ये तीनों नमकीन हैं। तो तीनों नमकीन में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है आप भी ट्राई करके बताइए, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।